तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि चीन के बाद नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन के बाद नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा, बना दिए घर। मोदी अमित शाह के उड़े होश, भारत पर कब्जा करने की तैयारी में चीन नेपाल भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में चल रहे घमासान के बीच ठाणे में धारा 144 लागू, पुलिस ने जारी की चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमानों पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा अगर मुसलमान ट्रेन में आग नहीं लगाते तो नहीं होती मुसलमानों की गुजरात दंगों में इतनी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फिर बिगड़ी तबियत, गुरुग्राम के अस्पताल में अनंतपुरम में कराया गया है एडमिट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों का खुलकर किया समर्थन, कहा अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाती है तो विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सभी को छोड़नी चाहिए पेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा मोदी के तानाशाही का युवक भुगत रहे हैं खामियाजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर में तोड़फोड़, कांग्रेस ने एसएफआई पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन के बाद नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन के बाद नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा, मोदी अमित शाह को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन के बाद अब नेपाल से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। चीन के बाद अब नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद भाजपा और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह कब्जा उत्तराखंड के चंपावत में किया गया है। यहां पर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने भारत की 5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी एसएसबी के जवानों ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। वहीं आपको बता दें कि इनके बाद वन विभाग की टीम ने भी नेपाल द्वारा भारत की जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर मोदी सरकार को जो है जानकारी दी है और बताया है कि इस जमीन पर नेपाल ने पक्के निर्माण के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें भी बना ली हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल जैसे छोटे देश अब भारत की जमीन पर कब्जा करें, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और उन्हें हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात दंगों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा मुसलमान इसलिए मारे गए क्योंकि 60 लोगों को उन्होंने जिंदा जलाया। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री मोदी की क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इसी मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशिष्ट इंटरव्यू दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वाले माफी मांगे। अमित शाह ने गुजरात दंगों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा कानून का साथ दिया, दंगा होने का मूल कारण ट्रेन को जला देना था। उन्होंने कहा कि मैंने बच्चियों को उनकी मां की गोद में जलते हुए देखा था। दंगों के बाद मैं खुद हॉस्पिटल में था, चारों ओर लाशें थीं। मैं आपको बता दें कि अमित शाह ने आगे कहा है कि मुसलमानों की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि मुसलमानों ने पहले ट्रेन जला दी थी। जब ट्रेन जली तो लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने फिर मुसलमानों पर हमला किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में चल रहे घमासान के बीच ठाणे में धारा 144 लागू, पुलिस ने जारी की चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बीच अब मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई है। राजनीतिक हलचलों के बीच पुलिस प्रशासन ने थानों को अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और शिवसेना में अलग अलग गुटों में टकराव की स्थिति को देखते हुए ठाणे जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 30 जून तक ठाणे जिले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक जुलूस और भीड़ के इकट्ठे होने या नारेबाजी आदि पर रोक लगा दी है। साथ ही किसी भी तरह की राजनीतिक पोस्टरबाजी करने पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी डंडी और एनी किसी भी तरह के हथियार अपने पास नहीं रख सकता। अगर ऐसा कोई करता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ठाणे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा मोदी की तानाशाही का युवक भुगत रहे हैं खामियाजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाही है और वह सिर्फ मित्रों की बात पर ध्यान देते हैं और देश के वीर सैनिकों को नज़रअंदाज करते हैं। गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही है। क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? तो इसी के साथ उन्होंने परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के बयान वाली एक खबर भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि मोदी को अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी और इसीलिए इसको वापस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फिर बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के अस्पताल में हुए एडमिट।
जदयू साहब को बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को शुक्रवार देर शाम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि रूटीन चेकअप के बाद यूरिन इन्फेक्शन के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम सिंह यादव शुक्रवार 24 जून को अपने दिल्ली आवास पर मौजूद थे। इस दौरान उन्हें यूरिन से संबंधित शिकायत के बाद नियमित जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें यूरिन से संबंधित जांच के लिए भर्ती होने की सलाह दी। इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, CBC समेत उनकी कुछ नियमित जांच कराई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निवीर पेंशन को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, बोले जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। यह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ धावा बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रक्षा सेवाओं में भर्ती की केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इस योजना के तहत सेना में शामिल अग्निवीर यदि पेंशन के हकदार नहीं है तो वह भी बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने सांसदों से विधायकों के समक्ष ये सवाल उठाया है कि क्यों न सभी अपनी पेंशन छोड़ दें और अग्निवीरों के लिए पेंशन की सुविधा सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार जो अग्निपथ योजना लेकर आई है उस अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर है को पेंशन नहीं दी जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर में तोड़फोड़, कांग्रेस ने SFI पर लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी के यहाँ स्थित कार्यालय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, क्योंकि बफर जोन मुद्दे पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल पिट्टा के पास कैनोटी में राहुल गांधी के कार्यालय पर SFI कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जो संरक्षित वन क्षेत्रों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास 1 किलोमीटर दायरे में आने वाले क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि छात्र इस योजना पर राहुल गांधी से बोलने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सरकार नहीं, अब पार्टी को बचाने में जुटे उद्धव ठाकरे, जल्द दे सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका। जदयू साहब को बता दें कि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे के अपनी पार्टी खिलाफ बगावत में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने के आरोप के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब उद्धव ठाकरे को सरकार से ज्यादा संगठन बचाने की चिंता है। डिप्टी स्पीकर के जरिए अब एकनाथ शिंदे गुट को झटका देने की तैयारी में है। 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर को शिकायत की गई है। आज 16 विधायकों को नोटिस भेजा जा सकता है। बागियों से सोमवार तक जवाब मांगा जाएगा। दो तिहाई वाला फार्मूला कम करने के लिए बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात आरोप लगाया कि भाजपा का मकसद शिवसेना को समाप्त करना है, क्योंकि वह हिंदू वोट को साझा नहीं करना चाहती। ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि वे शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी को वोट देने वाले लोगों को अपने पाले में करके दिखाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राष्ट्रपति चुनावों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को वोट देने की अपील, भाजपा को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायकों के अलावा संगठन के पद अधिकारियों के साथ बैठक अखिलेश यादव ने की। सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन भी अखिलेश यादव ने किया। यहाँ आपको बता दें कि इस मंथन में तय हुआ है कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को वोट करना है, बल्कि उनके पक्ष में आधिकारिक वोट डलवाने के लिए भी लोगों को उनके समर्थन में करना है। गौरतलब है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों रालोद, सुहेलदे, भारतीय समाज पार्टी आदि को मिलाकर कुल 125 विधायक है। वही सपा और सहयोगी दलों के राज्यसभा में 5 सांसद है। इसके अलावा लोकसभा में अभी 3 सांसद है, जबकि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक का वेटेज 208 है और सांसद का वेटेज 700 है। इस तरह सपा और सहयोगी दलों को मिलाकर उनके मतों का वेटेज 26,000 होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें अखिलेश यादव ने की। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी जीतते हैं या फिर ममता बनर्जी के यशवंत सिन्हा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो झारखंड के हज यात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को कोलकाता के लिए रवाना। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि झारखंड राज्य हज समिति के चेयरमैन ने बताया है कि 377 झारखंड के हज यात्री हज करने के लिए यहां से कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब ये सभी लोग सऊदी अरब पहुँचेंगे और हज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हज करने के बाद ये वापस आएंगे। तो